उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प नशा मुक्त हो उत्तराखंड के क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करते हुए उधम सिंह नगर जनपद में ड्रग्स की बिक्री पर अंकुश लगाने और उसकी रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा चलाए गए अभियान में मीना और सपना नाम की महिलाओं को 44 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों महिलाएं आजाद नगर जिला बरेली की बताई जा रही हैं। उनके पास से 83,600 रुपए नकद भी बरामद हुए। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। रुद्रपुर से संजीव गायन की रिपोर्ट। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी में ट्रांजिट कैंप द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए अभी आज ही दो महिलाओं को पकड़ा गया है, जिसका पूरा खानदान जो था इनका ऑलरेडी नशे में लिप्त था। ये दोनों ऑलरेडी नेम्ड थी एक FIR में 29 की सेक्शन के अंडर। इन दोनों को पकड़ा है 44 ग्राम स्मैक के साथ और लगभग 83,000 रुपीज जो ये लोग नशा बेच के स्मैक बेच के ही बराबर वो करते थे। देखिये, मूल रूप से तो ये लोग बरेली के हैं सब रहने वाले, लेकिन फिलहाल ये लोग ट्रांजिट कैंप एरिया में रह रहे थे। एक लाख दो लाख के करीब कीमत है। देखिए, ये पूरे ट्रांजिट कैंप एरिया में ये लोग बहुत ज्यादा इनफेमस थे। बहुत टाइम से इनका ये चल रहा था कि इनका पूरे जो फैमिली है वो शमशान घाट और पूरे ट्रांजिट कैंप एरिया में बेच रहे हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए ट्रांजिट कैंप थाने ने बहुत अच्छा काम किया। 44 ग्राम स्मार्ट है। देखिए, एक तो नन्हे की माता जी है और एक जो है नन्हे का जो रिश्तेदार है अरविंद, उसकी बीवी है।